हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए आज मैं लेके आया आपके लिए बहुत ही प्यारे बहुत ही खास लेडीज़ अंगूठे वाले मोजे। इनकी बुनाई और मोजे से थोड़ी सी अलग है, तो चलिए सीखते हैं बनाने के लिए। देखिए मैंने ग्रीन कलर और क्रीम कलर लिया हुआ है और यहाँ पे मैंने 43 फंदे लिए, 43 फंदे लेके। ये देखिए मैंने यहाँ पे ये नीचे से 1 2 3 4 5 6 12 रो बना ली हैं, 12 लाइनें मैंने बुन ली हैं और हम रॉन्ग साइड पर हैं, सॉरी 11 लाइनें बुनी है क्योंकि आप फंदे डालेंगे तो पहले मैंने उल्टा उल्टा बुना है, फिर रॉन्ग साइड से मैंने क्रीम कलर लगा के 2 लाइन इसकी बुनी है, फिर 2 इसकी, 2 इसकी, 2 इसकी, 2 इसकी, यानी कि टोटल 11 लाइनें मैंने बुनी है, 11 रोज बुन ली हैं। फिर यहाँ से अब हमने क्रीम कलर का ऊन कट कर दिया है। देखिए जैसे इसमें हमने इसमें ये इस तरह से हमने धारियाँ बनाई है, ये बॉर्डर है हमारी एंकल की। अब इसके बाद हमें ये पार्ट बुनना है, ये जो एड़ी का पोर्शन है वो बुनना है पहले, फिर बाद में हम इसको बुनेंगे। तो देखिए एड़ी के पोर्शन के लिए आपको क्या करना है, ये हमारे पास 43 फंदे हैं तो 43 में से हम यहाँ पे ले लेंगे 14, यहाँ ले लेंगे 14, यहाँ ले लेंगे और 15 फंदे बीच में ले लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 14 फंदे लेंगे, 14 फंदे हम बुन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। ये देखिए हमने 14 फंदे बुन लिए हैं। अब देखिए 14 फंदे बुनने के बाद यहाँ पे हम एक मार्कर लगा देंगे, फिर यहाँ से 15 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये देखिए ये हमने 15 फंदे बुन लिए, 14 और 15। अब यहाँ पे फिर एक हम मार्कर लगा देंगे ऐसे। अब ये बाकी के ये हमारे पास 14 फंदे हैं, 14 फंदे हैं, इन्हें भी हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए ये हमने यहाँ पे 14 फंदे रखे, बीच में 15, फिर यहाँ पे 14, 14 15 14, ये हमारे 3 पार्ट हो गए, 1 2 3। अब हमें सिर्फ एक पार्ट को ही बुनना है, बाकी 2 पार्ट हम छोड़ देंगे इस तरह से। ये देखिए ये हमने 14 फंदे बुन लिए, यहाँ पे हमारा मार्कर है तो यहीं से हम टर्न हो जाएंगे, ये देखिए, और इन्हीं फंदों को 20 बार बुनेंगे। तो ये देखिए तीसरी सिलाई है, पहला उल्टा बुना था फिर सीधा, ये दूसरा तीसरी सिलाई है, तो हमें 20 सिलाइयाँ बुननी है, 20 रोज हमें बुननी है। तो ये 20 सिलाइयाँ बुन के पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं, सिर्फ इन्हीं फंदों को हमें बुनना है, दूसरी तरफ टर्न नहीं होना है। हमने 20 सिलाइयाँ कंप्लीट की, टोटल मैंने यहाँ से जो ग्रीन की बनाई है क्रीम के ऊपर से, ये 20 लाइन बनाई है और 20 लाइन के बाद अब इस फंदों को हमें बंद कर देना है इस तरह। देखिए सारे फंदों को हम बंद कर देंगे ऐसे, 2 का एक करेंगे, फिर इस फंदे को इसमें लेंगे, ज़्यादा टाइट नहीं करना है आपको, लूज ही रखना है, इस तरह से आपको सारे फंदों को इस तरह से बंद कर देंगे। ये देखिए हमने सारे फंदों को बंद कर दिया, अब लास्ट वाले फंदे में ऊन को हम ऐसे निकाल के इसे बंद कर देंगे। ये देखिए अब क्या करना है, अब देखिए ये जो बीच के 15 फंदे हैं इसे हम फिर से वापस इस सिलाई में लेंगे, मार्कर हटा देंगे इधर वाला, इस तरह से इसमें हम सारे फंदों को ट्रांसफर कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए ये हो गया।
अब ये मार्कर वापस इसमें ले लेते हैं और यहाँ पे हम पहले ग्रीन वाला ऊन जोड़ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने ये ऊन जोड़ लिया। अब ये जो 14 फंदे हैं इन्हें हम 20 सिलाइयाँ सीधा उल्टा बुनेंगे, सिर्फ इसी को 20 सिलाइयाँ आपको सीधा उल्टा बुन लेना है। इस तरह से देखिए रॉन्ग साइड से उल्टा उल्टा। यहाँ पे आने के बाद इस मार्कर से मुड़ जाएंगे और फिर अब सिर्फ इन्हीं 14 फंदों को हमें 20 सिलाइयाँ इतना बुन लेना है। इतना बुन के कंप्लीट कर लेते हैं। इसे भी हमने 20 लाइन कंप्लीट कर लिए। यहाँ से यहाँ तक हमने 20 लाइन बुन ली है। अब हम रॉन्ग साइड की तरफ हैं और रॉन्ग साइड से फिर हम इन सारे फंदों को बंद कर देंगे। जो 14 फंदे 14 फंदे हैं, देखिए दो का हमने एक किया यहाँ पे, फिर इस तरह से हम इसे वापस चढ़ाएंगे, फिर इसे बंद करेंगे। तो ऐसे ही ढीला ढीला हम इन सबको बंद कर देंगे। ये देखिए, देखिए लास्ट में हमने इसे, फिर इसमें से ये ऊन निकाल के हम यहाँ पे कट कर देंगे इसे। ये देखिए ये ऊन को हमने कट कर दिया। अब हमारे पास ये इस तरह से जो इसका मोजे का शेप है, देखिए इस तरह से हो गया है। तो अब ये जो फंदे हैं इसे हम दूसरी सिलाई में ट्रांसफर कर लेंगे। देखिए इस तरह से ये देखिए ये ऊन को हमने ट्रांसफर कर लिया फंदों को सारे इसमें। ये जो हमारा इसका जो मुंह है सिलाई का वो इस साइड में होना चाहिए क्योंकि हम सीधी साइड से फंदे उठाएंगे। ये जो सीधी साइड है यहाँ पे पहले मुंह जोड़ लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम इस तरह से सिलाई को इंसर्ट करेंगे इस तरह से। अब यहाँ से देखिए यहाँ से इतनी दूर में हमें 19 फंदे उठाने हैं। ये 6 नंबर की साइज़ के हैं, 5 और 6 नंबर को आ जाएगा और 6 नंबर और 7 नंबर के लिए आप यहाँ पे 20-20 फंदे उठाएं, इधर भी 20 इधर भी 20 और बीच के फंदे ज़्यादा रहेंगे जब आपको 6-7 नंबर बनाना होगा। जैसे 6 और 7 दोनों को आ जाए तो उसके लिए आपको यहाँ पे 47 फंदे डालने होंगे, 47 फंदे यहाँ पे डालने होंगे और ये 20 सिलाइयाँ इधर भी बुननी है, 20 इधर और फिर 20 फंदे उठाएंगे। तो हम यहाँ पे 19 फंदे उठाएंगे। देखिए इस तरह से 1-2-3-4 के बाद 5-6-6 के बाद 7-7 के बाद 8-8 के बाद 9। तो इस तरह से हम यहाँ पे 19 फंदे उठा लेंगे। ये देखिए 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 19 फंदे बुन लिए। अब ये जो 15 फंदे हैं इन्हें भी हम सीधा सीधा बुन लेंगे इस तरह से। ये देखिए ये 15 फंदे भी हमने बुन लिए। अब इसमें से फिर हमें 19 फंदे उठाना है। तो यहाँ बेस से ही जहाँ से हमने स्टार्ट किया वहीं से हम फिर 19 फंदे उठाएंगे। सॉरी 1-2-3-3 के बाद 4-5-6-7-8 ऐसे ही तो हम 19 फंदे यहाँ भी उठा लेंगे। ये देखिए यहाँ पे भी हमने ये 19 फंदे उठा लिए। तो टोटल हमारे पास 19-15-19 यहाँ पे हमारे पास 53 फंदे हो गए, 53 फंदे हो गए हैं। अब ये जो है, अब देखिए इन फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। सारे फंदों को हमें उल्टा उल्टा बुन लेना है इस तरह से। तो सारे फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। ये देखिए हम सारे फंदों को हमने उल्टा उल्टा बुन लिया है। अब तो हमने पीछे से उल्टा उल्टा बुन लिया है। फिर से हम राइट साइड पे हैं। तो यहाँ पे हमने ये दूसरे कलर का ऊन जोड़ दिया। अब हम डिज़ाइन बनाएंगे।
तो देखिए जो डिज़ाइन बनाने उसके लिए क्या करेंगे, हम तीन फंदा सीधा बुनेंगे, एक दो तीन, तीन फंदा सीधा बुनेंगे, एक उतारेंगे, फिर तीन सीधा बुनेंगे, वन टू थ्री, ये तीन सीधा बुनेंगे, फिर एक उतारेंगे, फिर तीन सीधा बुनेंगे, एक दो तीन, फिर एक उतारेंगे। तो इसी तरह हम लास्ट तक बुनते हुए जाएंगे। ये देखिए, ये इस तरह से हमने सारे फंदों को बना लिया है, देखिए इस तरह से। अब फिर रॉन्ग साइड से जो हमारे बुने हुए फंदे हैं उन्हें हम बुन लेंगे, और जो उतारा हुआ है उसे उतार लेंगे। देखिए ये बुना हुआ है, इसे हमने बुन लिया, ये उतारा हुआ है, तो इसे फिर इस सिलाई में उतारेंगे, फिर तीन फंदे उल्टा बुनेंगे क्रीम से, तीन ग्रीन उतारेंगे, फिर तीन, एक दो तीन, तीन उतारेंगे, फिर एक, सॉरी तीन बुनेंगे, एक उतारेंगे, फिर तीन बुनेंगे, एक दो तीन, फिर एक उतारेंगे, फिर तीन, एक दो तीन, फिर एक उतारेंगे। तो इसी तरह से इसको बना लेंगे। अब देखिए फिर राइट साइड पे आ गए हैं, तो इसे भी इसी तरह से बुनना है। जो बुने हुए फंदे हैं उसे हम बुन लेंगे, और जो उतारा हुआ है उसे उतार लेंगे। देखिए तीन फंदे हमने सीधे बुने थे, इसे हम सीधा बुन लेंगे, ये उतारा हुआ इसे उतार लेंगे, फिर तीन सीधे, एक दो तीन, देखिए तीन सीधा, ये उतारा हुआ इसे फिर उतार लेंगे, फिर तीन सीधा, तीन सीधा, फिर एक उतार लेंगे, फिर तीन सीधा, इस तरह से, और फिर एक उतार लेंगे। तो इस तरह से हम इसे बनाते हुए लास्ट तक जाएंगे। ये देखिए, ये हमने थर्ड रो जो क्रीम से बनानी है वो भी बना ली। अब फोर्थ रो में क्या करना है, फोर्थ रो में हम सारे फंदों को सीधा बुनेंगे, कोई भी फंदा उतारेंगे नहीं, जो ये उतारा हुआ इसे भी सीधा बुनेंगे। देखिए इस तरह से, ये इस तरह से, सारे फंदों को हमें सीधा सीधा बुन लेना है इस तरह से। ये देखिए, ये हमने फोर रोज कंप्लीट कर ली। अब हम ग्रीन की रो बनाएंगे, तो ग्रीन की भी फोर रो बनानी है। तो देखिए ग्रीन में कैसे बनाएंगे, एक फंदा हम ग्रीन का बुनेंगे, देखिए ग्रीन से एक फंदा बुनेंगे। देखिए शुरू में हमने तीन फंदे क्रीम से बुने थे, तो क्रीम का जो सेंटर वाला है इसे हम उतार लेंगे, फिर तीन फंदे बुनेंगे, देखिए एक दो तीन। अब देखिए ये फिर क्रीम का सेंटर वाला फंदा है, देखिए तीन फंदे थे तो क्रीम कलर का सेकेंड वाला फंदा है, इसे हम उतार लेंगे, देखिए इस तरह। फिर तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, तीन सीधे, फिर एक उतारेंगे, फिर एक दो तीन, तीन सीधे, फिर एक उतारेंगे, फिर तीन सीधे, एक दो तीन, तीन सीधे। तो इसी तरह इस रो को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, ये हमने फर्स्ट रो ग्रीन कलर की कंप्लीट कर ली। फिर सेकेंड रो में जैसे हमने क्रीम में किया था, इस बुने हुए फंदे को बुन लेंगे, देखिए ये ग्रीन है तो इसे हम बुन लेंगे, फिर इसे उतार लेंगे, उतरे हुए फंदे को उतार लेंगे, फिर बुने हुए को बुन लेंगे, एक दो तीन, फिर इसे उतार लेंगे, फिर बुन लेंगे। तो इसी तरह इस रो को भी कंप्लीट करना है, बुने हुए फंदे को बुन लेना है, और जो फंदा आपने उतारा है उसे हम उतार लेंगे। ये देखिए, ये हमने सेकेंड रो भी बना ली है। फिर हम थर्ड रो पर हैं, तो देखिए फिर इसमें यही करेंगे हम, ये जो क्रीम ऊन है इसे ऊपर कर लेंगे इस तरह से, ताकि ये जो है ऊन हमारा ऊपर चला जाए। बुने हुए फंदे को बुन लेंगे, उतारे हुए फंदे को उतार लेंगे, फिर तीन सीधा, एक दो तीन, तीन सीधा, फिर इसे उतार लेंगे, फिर तीन सीधा, एक दो तीन, तीन सीधा, फिर इसे उतार लेंगे, फिर तीन सीधा, एक दो तीन, तीन सीधा, फिर इसे उतार लेंगे। तो इसी तरह से इस रो को भी कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, हमने थर्ड रो भी कंप्लीट कर लिए। फिर फोर्थ रो में जैसे हमने क्रीम की रो बनाई थी, सारे फंदे को सीधा सीधा, वैसे ही सारे फंदों को यहाँ पे हम सीधा सीधा बुन लेंगे इस तरह से। देखिए ऐसे ऐसे फोर्थ रो में, ये देखिए, तो ये हमारी डिज़ाइन बनना शुरू हो गई। इसी तरह से आपको चार सिलाइयाँ क्रीम की, चार सिलाइयाँ ग्रीन की बनाते हुए जाना है। तो वैसे तो मैंने इसमें देखी, ये देखिए इसमें मैंने देखी, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ डिज़ाइन बनाई हुई है, जिसमें से पांच डिज़ाइन हमारी क्रीम की है और चार डिज़ाइन ग्रीन की है। और आपको ज़्यादा बनाना, अगर आपका पैर लंबा हो तो अपने इसे इस तरह से पैर पर रखें, और यहाँ से यहाँ तक अंगूठे की लंबाई नापें, अंगूठे की लंबाई से थोड़ा सा कम रहने पर ही इसे आप रोक दें। तो ये लंबाई आपके ऊपर है, जितना चाहे उतना बना सकते हैं। तो इसी तरह से ये आठ सिलाइयाँ हम रिपीट करते जाएंगे। अब जितना, इतनी लंबाई होने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। ये हमने नौ डिज़ाइन बना लिए हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, और ये नाइन, नाइन डिज़ाइन बना लिए। अब हमें क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर हम
एक छोटी वाली डिज़ाइन बनाएंगे। देखिए इस तरह से पहला फंदा क्रीम कलर से बुनेंगे, फिर ये जो धागा है इसे हम नीचे कर लेंगे, फिर ये जो ग्रीन है इससे हम अगला फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर इस धागे को नीचे करेंगे, फिर इससे हम बुनेंगे। देखिए एक धागा क्रीम से और एक ग्रीन से, बुनते समय इसे नीचे करते जाएंगे और इसे ये उल्टी बुनाई है हमारी। देखिए देखिए इस तरह से हमारी डिज़ाइन, इसे नीचे किया और इसे यहाँ से पीछे से उठा के उल्टा बुना, फिर इस फंदे को नीचे करेंगे, इसे उल्टा बुनेंगे, फिर इस फंदे को नीचे, इसे उल्टा। इस तरह से हम ये फर्स्ट रो कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये हमारी चोटी की फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई, तो इस तरह से ये हमारी डिज़ाइन हुई है। अब हम रॉन्ग साइड से इस चोटी को कंप्लीट करेंगे। देखिए जो फंदा क्रीम है उसे क्रीम से बुनेंगे और जो ग्रीन है उसे ग्रीन से बुनेंगे, सीधा बुनेंगे। देखिए इस तरह से, इसे बुनने से पहले देखिए ये जो ऊन है उसे आपको इस तरह से ट्विस्ट करा देना है। ट्विस्ट करने के बाद देखिए इसे हम सीधा बुनेंगे। सीधा बुनने के बाद अगला फंदा ग्रीन से बुनेंगे, उससे पहले इस ऊन को नीचे ऐसे करेंगे और फिर इसे यहाँ से उठा के सीधा बुनेंगे, फिर इसे नीचे करेंगे, इससे हम सीधा बुनेंगे, फिर इस ऊन को हमें नीचे करना है और पीछे से इस ग्रीन को उठा के ऐसे बुनना है। देखिए इस तरह से इसे नीचे करेंगे, सीधा बुनेंगे। आप चाहें तो इसे छोड़ भी सकती हैं, कोई ज़रूरी नहीं है इसे बनाना, पर इससे थोड़ी सी खूबसूरती बढ़ जाएगी इसलिए मैंने चोटी डाली है। देखिए सीधा एक ऊन बुन के इसे नीचे करेंगे और फिर इसे उठा के इस तरह से सीधा बुनेंगे, फिर इसे नीचे, इस तरह इसे नीचे, तो इसी तरह से रो भी हम कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए ये हमारी चोटी बनके कंप्लीट हो गई। देखिए वो लग रही है ना सुंदर। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ तक तो दोनों पैर के मोजे जो हैं, दोनों पैर के मोजे सेम बुनेंगे। यहाँ तक आपको कोई चेंज नहीं करना है, सेम जितना जैसे ये बुना है वैसे ये, सिर्फ यहाँ पे आपको अंगूठे और उंगली का अंतर करना है। जैसे इस वाले पैर में अंगूठा यहाँ बनेगा और इसमें अंगूठा यहाँ बनेगा, इसी का अंतर है। तो यही आप देख लीजिए। देखिए इसके बाद एक रो तो हम पहले सीधी बुन लेंगे, सारे फंदों को आपको सीधा बुन लेना है। ये देखिए ये हमने ये रो सीधी सीधी बुन के कंप्लीट कर ली। अब रॉन्ग साइड से इसमें हम केवल पहले अंगूठा बनाएंगे। तो अंगूठा बनाने के लिए क्या करेंगे, हम हमारे पास अभी 53 फंदे हैं, तो 20 फंदे हम अंगूठे के लिए रख लेंगे और 33 फंदे हम उंगलियों के लिए रख लेंगे। तो पहले 20 फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनते हैं। ये देखिए ये हमने 20 फंदे बुन लिए। अब इन्हीं 20 फंदों को हमें 16 बार बुनना है, 16 सिलाइयाँ कंप्लीट करनी। तो एक सिलाई हमने कर ली है, अब देखिए एक सिलाई हो गई, फिर ये सेकेंड सिलाई, तो ऐसे करके हम 16 सिलाइयाँ कंप्लीट करेंगे। 16 सिलाइयाँ बुनने के बाद फिर अंगूठे को हम घटाएंगे। देखिए इस तरह, ये देखिए ये हमने 16 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली है। 16 सिलाइयाँ कंप्लीट करने के बाद क्या करेंगे, 20 में से हम 10 फंदे दूसरी सिलाई में ट्रांसफ़र करेंगे। देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। अब देखिए 10 फंदे इस सिलाई में है और 10 फंदे इस सिलाई में, इस फंदे को इसमें ट्रांसफ़र करेंगे, एक फंदा इससे इसमें लेंगे, इस फंदे को इस पर गिराएंगे। देखिए ये एक बार गिराया, फिर इस फंदे में सिलाई डाल के दूसरे फंदे को हम बाहर निकालेंगे। ये देखिए फिर इस फंदे को लेंगे, इस फंदे को हम इस पर गिराएंगे और फिर इसमें से सिलाई इंसर्ट करके दूसरे फंदे को हम बाहर निकालेंगे इस तरह से। ये देखिए फिर इसे वापस ले लिया सिलाई में, फिर इस फंदे को इस पर रखेंगे, एक सिलाई के फंदे को पहले इस पर गिराएंगे, ये देखिए इस तरह से, और फिर इसमें सिलाई इंसर्ट करके दूसरे फंदे को बाहर निकालेंगे। इसे वापस सिलाई में लेंगे, फिर एक फंदा इसमें से लेंगे। ये देखिए ये घटाने का बहुत अच्छा तरीका है, मोजे वगैरह शोल्डर्स वगैरह में भी आप यूज़ कर सकते हैं इसे। इससे आपको मेहनत भी कम लगती है और इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। देखिए बस लास्ट के फंदे में आपको जो ऊन है उसे थोड़ा टाइट रखना होता है, जैसे अभी तक हम जैसे जैसे आते जाएंगे ये फंदा ढीला होता जाएगा, तो इसे टाइट रखेंगे ऊन को। ये देखिए इसको हमने बाहर निकाला, इस फंदे को इस पर गिराया, इसके बीच में से इस फंदे को निकलेंगे हम, फिर लास्ट वाले फंदे को लेके इस पर ये फंदा गिरा देंगे। अब इस फंदे को हम सीधा बुन लेंगे, इस फंदे को बड़ा करके ऊन को थोड़ा सा ज़्यादा कट कर देंगे ताकि हमारे सिलने के भी काम आ जाए। ये देखिए ये आप देख सकते हैं
जो इसकी ये उतारा है मैंने, कितना खूबसूरत लग रहा है ये देखिए। रॉन्ग साइड से बिल्कुल पता नहीं चल रहा है, राइट साइड से इसकी खूबसूरती बहुत ही प्यारी है। अब यहाँ से हम ऊन जोड़ लेंगे रॉन्ग साइड पे। ये देखिए ये ऊन हमने जोड़ लिया। अब हमारे पास यहाँ पे 33 फंदे हैं, 33 फंदे हैं। तो देखिए रॉन्ग साइड से, तो पहले हम सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुनते हुए चले जाएंगे इसमें। ये आपको सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन देना है। ये देखिए ये हमने सारे फंदों को रॉन्ग साइड से उल्टा उल्टा बुन लिया। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, ये हमारा उंगलियों का पोर्शन है, तो यहाँ हम 15 फंदे बनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15। ये देखिए 15 फंदे हो गए। अब देखिए ये 16 होगा, हाफ होगा और ये एक्स्ट्रा, तो 16 इस फंदे के बाद 16 इधर 16 उधर, यानी 33 फंदे हैं। देखिए दो फंदों को हम ऐसे उतारेंगे, तीसरे फंदे को हम सीधा बुनेंगे और इस पर ये जो है, इन तीनों को हमको इसे उतार देना है। अब फिर से हम देखिए इस तरह सारे फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे और रॉन्ग साइड से सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेना है, किसी भी फंदे को घटाना बढ़ाना नहीं है। ये देखिए रॉन्ग साइड की रो हमने कंप्लीट कर ली। और अब ये जो हमारी है, ये हमारी थर्ड रो थी। देखिए एक रॉन्ग साइड से हमने उल्टा बुना था, फिर राइट साइड से फंदे घटा के बुने, फिर ये हमारी फोर्थ रो है। हमें टोटल 16 सिलाइयाँ बुननी है और हर सिलाई में राइट साइड पे एक एक फंदा कम करते जाना है। जैसे अभी हमने 15 फंदे बुने थे, तब यहाँ पे 14 फंदे बुनेंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ये हमें 14 फंदे बुनने हैं। अब देखिए क्या करेंगे हम, दो फंदों को फिर से उतारेंगे ऐसे, तीसरे फंदे को बुनेंगे और इस पर हम ये जो दोनों फंदे हैं उतारे हुए इसे इस पर गिरा देंगे। तो ऐसे ही आपको करते जाना है हर राइट साइड में, हर रो में आपको। जैसे अभी हमने 14 फंदे बुने, फिर उसका 13 फंदे बुनेंगे, फिर 12, तो ऐसा करके हमें 16 सलाइयाँ बुननी हैं। इसकी लंबाई इतनी हो जाए, ये जो हमारे अंगूठी की लेंथ है इतनी लेंथ हो जाए, वहाँ तक आपको ऐसे करना है, हमारे फंदे कम होते जाएंगे। इतना बुन के कंप्लीट कर लीजिए। 16 सिलाई कंप्लीट कर ली और ये हमारी 17वीं सिलाई है जिसमें हमें फंदों को बंद करना है। तो ये जो उंगली के फंदे हैं वो थोड़ा सा हम अलग बंद करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने, हमारे पास टोटल फंदे जो बचे हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 8, 8, 2, 16, 16, 17, 18, 19 फंदे बचे हैं। तो देखिए बीच वाला जो फंदा है ये चोटी वाला फंदा है, ये आप देख सकते हैं ये वाला फंदा हमारा चोटी वाला है। तो यहाँ पे हम देखिए ये दो फंदे ऐसे उतारेंगे, तीसरे फंदे को बुन लेंगे और इस पर हम ये दो फंदे गिरा देंगे। इसमें हमें फंदों को बंद करना है। फिर से इसे हम फंदे, इस फंदे को हम वापस सलाइम लेंगे और फिर इसमें से एक लेंगे। ये देखिए इसमें से भी एक हमने लिया, फिर दो फंदों को इस तरह से उतारेंगे, तीसरे फंदे को बुनेंगे, फिर इन दोनों को इस पर हम गिरा देंगे इस तरह से। ये देखिए फिर इसे वापस से सलाइम लेंगे, फिर एक फंदा ये लेंगे, इन दोनों को ऐसे उतारेंगे, तीसरा बुनेंगे और इस बुने हुए फंदे पे ये दो फंदे जो हैं आपके ये उतर जाएंगे। ये देखिए फिर हम दो फंदों को वापस सलाइम लेंगे, दोनों को राइट साइड जैसे हम सीधा बुनते वैसे हम उतारेंगे, इस उनको टाइट करेंगे, एक फंदा दूसरी सिलाई से बुनेंगे और इस पर ये दोनों फंदे जो हैं हम ऐसे उतार लेंगे। फिर हम दो फंदों को ऐसे उतारेंगे, इन दोनों को स्लिप करेंगे नीट वाइज और फिर इस तरह से तीसरा बुन के इस पर हम ये फंदे उतार लेंगे। फिर हमने इसे इस तरह से उतारा, फिर इसे उतारा, इन दोनों को ऐसे लिया, फिर तीसरा फंदा बुन के और इस पर हम ये इस तरह से बना लेंगे, फिर इसे बुनाएंगे, इसे बनाएंगे, इन दोनों को हम इस तरह से उतारेंगे, तीसरे फंदे को बुन के इस पर हम इसे उतार देंगे। फिर देखिए इसे बुनेंगे, सॉरी इसे उतारेंगे, इसे उतारेंगे, इन दोनों को लिया, तीसरा फंदा इस तरह से लिया, फिर इसे उतारेंगे, इस लास्ट वाले फंदे को उतारेंगे, दोनों को सीधे तरह से इस तरह से लेंगे, तीसरा फंदा बुना और इस पर हमने ये दोनों फंदे जो हैं हमने उतार दिए। अब इस फंदे में हम एक बार सीधा बुनेंगे और बुन के ये जो ऊन है हमारा इसे थोड़ा सा बाहर खींच लेंगे, हल्का सा खींचेंगे क्योंकि सिलने के लिए ऊन हमने इसमें छोड़ रखा है। ये देखिए ये इस तरह से हो गया, ये हमारा अंगूठा हो गया और ये हमारी उंगली हो गई। तो ये देखिए ये हमारा जो है
ये राइट पैर का मोजा है, ये राइट पैर का मोजा हो गया। अब लेफ्ट पैर का मोजा आपको क्या करना है, ये देखिए दूसरे जो राइट लेफ्ट पैर का जो मोजा है उसमें हमने ये चोटी तक बनाया था, इसमें भी एक सिलाई हम पहले सीधी सीधी बुन लेते हैं, उसमें भी हमने सीधी बुनी थी तो इस सिलाई को पहले हम सीधा बुन लेते हैं। ये देखिए सीधी सिलाई हमने बुन ली। अब देखिए इसमें हमने क्या किया था, हमने इस साइड पहले सीधा बुनने के बाद पहले हमने ये अंगूठा बनाया था, तो इसमें अब हम क्या करेंगे, इसमें हमने देखिए 33 फंदे इधर ले लिए हैं और जो ये 20 फंदे थे 20 फंदे हमारे इस साइड है, इसमें देखिए 20 फंदे इस साइड थे 33 इधर। अब सेम जैसे हमने इसको बनाया वैसे ही इसे बना लेना है, बस यहाँ पे पहले हम उंगलियाँ बनाएंगे, ये पोर्शन हमें पहले बुनना है और ये हमें बाद में बुनना है, तो जैसा ये है वैसा वैसा इसे बना लेते हैं। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इधर उंगली बुनिएगा और इधर अंगूठा बुनिएगा, वरना दोनों मोजे आपकी एक ही पैर के हो जाएंगे। तो सीधा बुनने के बाद एक बार आप उंगलियां बुनेंगे पहले और एक बार आप अंगूठा बुनेंगे, तो एक मोजे में हमने अंगूठा बुन लिया है, इसमें हम उंगलियां बुनेंगे। देखिए मैंने मार्क लगा लिया है और आप ये मार्क चाहें तो पहले भी लगा सकते हैं, दोनों पैर का इतना इतना बुन के मार्क लगा लीजिए तो इससे आपको इसे बनाने में आसानी होगी। तो मैं अब इसे कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। हमने सेकेंड पैर भी बना लिया है। अब देखिए दोनों का अंगूठा जो है हमारा बीच में है, तो ये लेफ्ट पैर का है और ये राइट पैर का है। इसी चीज़ का आपको ध्यान देना है जो मैंने अभी आपको बताया है कि जब रॉन्ग साइड से बुनना स्टार्ट करेंगे, इस चोटी के बाद एक सिलाई तो हम सीधा सीधा बुन लेंगे दोनों में, लेकिन जब रॉन्ग साइड राइट से स्टार्ट करेंगे तो एक बार हमें उंगलियां बनानी है और एक बार हमें अंगूठा बनाना है, यानी कि इसमें हम पहले उंगलियां बनाएंगे फिर अंगूठा बनाएंगे, और इसमें पहले हम अंगूठा बनाएंगे फिर उंगलियां बनाएंगे, नहीं तो गड़बड़ जाएगा। तो देखिए अब ये हमारा बुन गया है, तो ये जो धागा हमने छोड़ा था अंगूठे वाले पोर्शन में, इससे हमें सिलाई करनी है, तो पहले इसमें सुई डाल लेते हैं। अभी जो मोजा है इसे हम उलट लेते हैं, देखिए उल्टा कर लेते हैं रॉन्ग साइड से। अब ये जो चोटी है देखिए यहाँ पे, ये जो हमारा सेंटर का पोर्शन है इसे हमें इससे मिलाना है, देखिए इस तरह से यहाँ पे इसे मिलाएंगे। अब ये जो हिस्सा है इसे आपको सिल लेना है इस तरह से, तो पहले हम यहाँ से सिलना शुरू करेंगे, देखिए इस तरह से। इस तरह से हम सिल लेंगे। अब देखिए ये हमारा कॉर्नर का हिस्सा आ गया। अब ये दूसरा साइड जो है, देखिए दूसरी साइड को भी ऐसे मिला लेंगे। ये जो चोटी है, चोटी के ऊपर ही हमें सिलना था, तो ये देखिए यहाँ पे अभी हमें एक बार और सिलनी है इस तरह से, ये जो है इस तरह से सिल लेंगे। ये देखिए ये हमने सिलाई कर ली इसकी। अब यहाँ पर हम देखिए ये हिस्सा लेंगे, देखिए यहाँ पर ये देखिए उंगलियों वाला, यहाँ से नीचे उठाएंगे और यहाँ पे भी देखिए चोटी के ऊपर से यहाँ उठाएंगे, ये देखिए। अब इतना पोर्शन हम सिल लेंगे, ये जो है इतना पोर्शन हम सिल लेंगे इस तरह से, इस तरह से। सिलाई आप चाहे जैसे कर सकते हैं, या तो इस तरह से करें या फिर जैसे उल्टी बखिया होती है इस तरह से, तो मैं इसको इतना सिल लेती हूँ पहले। अब देखिए हमने सिलाई कर ली, यहाँ पे ऊन जो बचा था उसमें हम इसे गांठ लगा देंगे इस तरह से, इस ऊन को यहाँ पे कट कर देंगे हम। अब फिर से हम इस धागे में गांठ लगाएंगे। अब देखिए हमें यहाँ से यहाँ पे उठाना है फंदे को, तो यहाँ पर हम इस तरह से पहले दोनों पोर्शन में इस तरह से ऊन को ले जाएंगे, और ये जो ऊन है निकले ना इसके लिए हम यहाँ पे गांठ लगा लेंगे। इस तरह से लगाने के बाद अब ये धागा पीछे की तरफ ने गांठ लगाया, अब इसे हम इस तरह से रखेंगे। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा देखिए इस तरह से ये पूरी हम सिलाई कर लेंगे इस तरह से, देखिए सबसे पहले अंगूठे के और उंगली के पास हमें सिलाई करते हैं इस तरह से। देखिए ये चोटी वाला जो हिस्सा है ये इस तरह से यहाँ से उठाएंगे और ये यहाँ इस तरह से, देखिए अब यहाँ से यहाँ तक, देखिए यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए ये पूरा हमें सिल लेना है, देखिए
ये हमने अंगूठे से स्टार्ट किया ऐसे और ऐसे, तो इतनी सिलाई आप चाहे जैसे कर सकते हैं। इतनी सिलाई करके फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था और ऐसे इसकी सिलाई कर ली। अब हम इसे सीधा कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इन मोजों की खास बात यह है कि इसकी जो सिलाई है वो नीचे की तरफ आती है, ऊपर की तरफ से इसकी कोई भी सिलाई नहीं आती है। जैसे अक्सर आपने जो मोजे बनाए होंगे उसमें जो सिलाई आती है ऊपर की तरफ आती है, और ये जो है नीचे आपके पैर के तलवों की तरफ इसकी सिलाई आती है। देखिए नीचे का हिस्सा, ये देखिए ये हमारे मोजे बन गए। मैं इसे आपको पहन के दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमारे मोजे बन गए। देखिए बहुत खूबसूरत से मोजे लग रहे हैं। देखिए इसकी इस तरह से एड़ी, और यहाँ पे इसकी सियन नीचे की तरफ है, तो ये आपको ऊपर से भी नहीं दिखेगा। ऊपर से इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आई है, और ये गैलरी है किस तरह के मोजे। आपने नीचे की सिलाई वाले मोजे अभी तक तो बनाए नहीं होंगे, और उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरे बनाए हुए मोजे पसंद आए होंगे। और अगर पसंद आए होंगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरे मोजे कैसे लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।